हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पर वेव। कुछ न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए थे, आइए उसी के आगे और कंटिन्यू करते हैं, जिससे आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हम अप्लाई करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया को कैलकुलेट करने के लिए। हमने क्वेश्चन 1-2 डिस्कस किया था, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 बार्स ऑफ मासेस 1 kg, 2 kg एंड 3 kg रेस्पेक्टिवली। हमारे पास 3 मासेस बार्स हैं, उनके मास हैं 1 kg, 2 kg और 3 kg। आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 meter। मीन्स ये ए बी सी, ये 1 meter की साइड का कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके 3 वर्टेक्स पर 1 kg, 2 kg, 3 kg मास जो है अरेंज कर दिए गए हैं। ओके, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस टू द सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल। मींस एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये यहां से पास हो रहा है, इसके और पूरे सिस्टम को रोटेट कराया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है। मींस एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है और यहाँ से कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, इसके और पूरे सिस्टम को रोटेट करा रहे हैं, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। ओके, तो देखिए जब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास होगा, इसके और पूरा सिस्टम रोटेट करेगा, तो हमें इससे हर एक मास की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। मीन्स M1 मास की डिस्टेंस AO होगी और 3 kg की डिस्टेंस OC होगी और 2 kg की डिस्टेंस OB होगी। हमें OA, OB और OC फाइंड आउट करना होगा। आइए देखें, ये आपका 1 meter है, ये 1 meter है, यहाँ से परपेंडिकुलर या मेजर जा रहा है, तो ये हाफ मीटर हो जाएगा, ये हाफ मीटर हो जाएगा। हम ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में AD हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, AD परपेंडिकुलर हो जाएगा, BD बेस हो जाएगा, तो AB² = AD² + BD², तो यहाँ से AD आ जाएगा AB² - BD², AD आ जाएगा। AB की वैल्यू कितनी है? 1 meter, BD की वैल्यू कितनी है? हाफ मीटर, तो 1 - 1/2 होल स्क्वायर, ये 4 - 1/4 √3/2 आ जाएगा। तो AD की जो वैल्यू आ गई वो √3/2 आ जाएगी। किसी ट्रायंगल में 3 मीडियन एक दूसरे को 2:1 में इंटरसेप्ट करती है, मीन्स वर्टेक्स की तरफ 2/3 होता है, इधर 1/3 होता है, तो AO = BO = CO, ये 2/3 AD का हो जाएगा। तो 2/3 AD है √3/2, ये आपका आ जाएगा 1/√3 और OD आपका आ जाएगा 1/3, तो OD आ जाएगा 1/√3। ओके, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड आउट करना है। M1 कितना हो गया? 1 kg। इसकी डिस्टेंस AO कितनी हो गई? 1/√3। M2 कितना हो गया? 2 kg। इसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से कितनी हो गई? ये हो गई 1/√3। M3 कितना हो गया? 3 kg। इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन से? ये हो गई 1/√3। मोमेंट ऑफ इनर्सिया I = I1 + I2 + I3, M1 R1² + M2 R2² + M3 R3², तो जगह I = M1 कितना है? 1 kg, R1 कितना है? 1/√3², M2 कितना है? 2 kg, 1/√3², 3 × 1/√3², ये हो जाएगा 1/√3 + 2/3 + 3/3, ये आपका आ जाएगा 6/3 2 kg/m². तो ये हो जाएगा 2 kg/m². तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट जो यहाँ सेंट्रोइड से पास हो रहा है, ऐसे ऐसे इसको घुमाया जाए तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ जाएगा 2 kg/m². ओके, ये प्रॉब्लम नंबर 3 हो गई। अब प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है कि हमारा एक्सिस यहाँ सेंट्रोइड से पास हो रहा है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास की डिस्टेंस 1 kg की AO हो जाएगी, 3 kg की OC हो जाएगी और 2 kg की OB हो जाएगी। ओके, आइए अब हम प्रॉब्लम नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 4 को कैसे हम हैंडल करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 आइए देखें।
प्रॉब्लम नंबर फोर देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर फोर है फोर पार्टिकल्स ऑफ मासेस 4 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg आर रेस्पेक्टिवली लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 meter। ये ए बी सी डी कोई एक स्क्वायर है, ए बी सी डी कोई एक स्क्वायर है, और ये ए बी सी डी ए कोई स्क्वायर है, और इसकी ईच साइड कितनी है 1 meter, कितनी है 1 meter। ए बी सी डी कोई एक स्क्वायर है, इसकी हर एक साइड 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter। अब हमने क्या क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सिस्टम का जब रोटेशन एक्सिस यहाँ ट्राइगोनोमेट्रिक इंटरसेक्शन पॉइंट 2 से पास होता है, और फिर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ए बी साइड के अकॉर्डिंग, फिर निकालना है बी डी के अकॉर्डिंग। मीन्स आगे है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मीन्स यहाँ से कोई अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर हमें ए बी के अकॉर्डिंग साइड ए बी के अकॉर्डिंग निकालना है, फिर डायगोनल बी डी के अकॉर्डिंग निकालना है। ओके आइए देखें, अब जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ओ से पास होगा, यहाँ से पास होगा, इसके अकॉर्डिंग पूरे सिस्टम को हम रोटेट करेंगे, तो इस केस में यहाँ से 4 kg मास की डिस्टेंस ए ओ हो जाएगी, 5 kg की बी ओ डी हो जाएगी, 2 kg की ओ बी हो जाएगी, यहाँ से ओ सी हो जाएगी। तो पहले हम डायगोनल निकाल लें, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए ए सी बी, ए सी बी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए सी कितना आ जाएगा रूट 2, तो ये डायगोनल कितना आ गया रूट 2, ये डायगोनल कितना आ गया रूट 2। अब इसका हाफ ए ओ होगा, इसका हाफ ओ सी होगा, तो आपका हो जाएगा ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ बी, ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ बी, ए सी अपान टू रूट 2 अपान रूट 2, तो 1/√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, तो ये 1/√2 आ गया। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, मीन्स यहाँ से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास रहा हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जाएगा 4 इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 3 इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस 5 इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 4 + 2 + 3 + 5 इंटू 1/2, तो 14/2 7 kg/m² हो जाएगा, 7 kg/m² हो जाएगा। ओके अब ये क्या कह रहे हैं, अब हमें साइड ए बी के अकॉर्डिंग निकालना है, तो जो हम अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी को कंसीडर कर लेंगे, तो 4 kg मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करेगा, 5 kg मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करेगा, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, और इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 meter हो जाएगी, इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 meter हो जाएगी। आई अबाउट ओ बी, इन दिस केस 4 kg and 2 kg लाई ऑन द रोटेशन एक्सिस, सो देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर 0। आई ए बी इक्वल 4 × 0 + 2 × 0 + 3 × ये डिस्टेंस कितनी है 1 + 5 × ये डिस्टेंस कितनी है 1 + 2, तो आ जाएगा 8 kg/m², 8 kg/m², जो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। आइए हम थर्ड केस देखते हैं, डायगोनल बी डी के अबाउट, जब आप इसके अबाउट ऐसे से घुमाएंगे, ऐसे इसके अबाउट रोटेट करेंगे, तो अब ये दोनों मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से ये हो जाएगी 1/√2, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 1/√2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 4 × 1/√2 / 2 × 0 / 3 × 1/√2 / 5 × 0 / तो ये आप जाएगा 4/√2 + 0 + 3/√2 7/√2, ये आ जाएगा बी डी के अबाउट 3.5 kg/m² या 3.5 kg/m², तो आपने देख लिया सिस्टम सेम है लेकिन हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। फर्स्ट केस में हमें हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा था, तो ये आंसर आया। सेकंड केस में हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, तो हमारा आंसर ये आया। थर्ड केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये था, आंसर ये आया। तो जब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का चेंज हो जाता है। ओके ओके।